नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। लोकसभा उपचुनाव का नतीजा आ गया है। एक बार फिर से बीजेपी अपनी जीत का परचम लहराने में कामयाब हो गई है। प्रदेश में दो सीटों पर हुए लोकसभा के उपचुनाव में रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने भारी जीत हासिल की है। सपा का गढ़ होने के बाद भी बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, या ये कहे कि बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए समाजवादी पार्टी को हरा दिया है। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने 42,048 वोटों से सपा उम्मीदवार असीम रजा को हराया। वहीं आजमगढ़ सीट पर बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने बाजी मार ली है। सपा को मुंह के बल गिराते हुए बीजेपी जीत की दौड़ में सबसे आगे आके खड़ी हो गई है। बता दें कि आजमगढ़ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र को मैदान में उतारा था। सीएम योगी के हेलीकॉप्टर से पक्षी के टकराने की घटना सामने आई। इसके बाद वाराणसी के पुलिस लाइन में सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। पुलिस लाइन से उनके हेलीकॉप्टर ने सुल्तानपुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन पक्षी से टकराने के बाद पुलिस लाइन में ही उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। हालांकि सीएम योगी पूरी तरह सुरक्षित है। स्पेशल विमान से सीएम लखनऊ पहुंचे। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। अगले महीने यानी जुलाई में पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। बता दें कि 29 फरवरी 2020 को पीएम ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर और जालौन होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए दिल्ली पहुंचेगा। 296 किलोमीटर की यह दूरी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से सिर्फ 5 घंटे में तय की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे पर लगी स्ट्रीट लाइटों में सिर्फ विद्युत कार्य बाकी रह गया है और कुछ जगहों पर रंगाई पुताई का काम रह गया है, जिसको तेजी के साथ कार्य पूरा किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज की समाजवादी पार्टी असली समाजवादी पार्टी नहीं है। असली पार्टी तो आचार्य नरेंद्र देव, राज नारायण जी की थी, लेकिन इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को एक झटके में परिवारवादी पार्टी बना दिया। जबकि समाजवादी का यह उद्देश्य होता है कि उनका मुखिया कोई नहीं होगा, उनकी संपत्ति का वारिस कोई नहीं होगा। 1975 को आज भी हम याद करके सीहर उठते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा काला दिन था, काला अध्याय जुट गया है, उसको आज लोकतंत्र सेनानियों को, हम लोगों ने बरेली के सभी लोगों को, लोकतंत्र सेनानियाँ इकट्ठा होकर के उन काला दिनों को याद कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के हुकूमत में किस ढंग से संवैधानिक अधिकारियों को एकदम समाप्त कर दिया गया था, हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया था, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई गई थी। हम सब इकट्ठा होकर के कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों को आम जनता को दोबारा बताने का काम कर रहे हैं और उन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान कर रहे हैं जिनकी वजह से दोबारा भारतीय संविधान इस देश में लागू हुआ। सांसद साध्वी निरंजन ज्योति एक दिवसीय दौरे के लिए फतेहपुर पहुंची, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान पर बड़ा बयान दिया। साध्वी ने कहा कि आज बाला साहब ठाकरे नहीं है, वह कांग्रेस को फूटी आंखों नहीं देखना चाहते थे, वह कट्टर हिंदुत्ववादी थे, लेकिन आज वह शिवसेना नहीं है। शिवसेना सत्ता के लिए विपरीत विचारधारा के साथ जाकर बैठ गई है। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे संतों को बहुत मानते थे। उद्धव ठाकरे के राज्य में संतों की निर्मम हत्या हुई, उसका अभिशाप लगना लाजमी है। वाराणसी में बीजेपी गुलाब बाग कार्यालय में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में आपातकाल को याद कर काला दिवस मनाया गया। बता दें कि 48 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, जो 21 महीनों तक चला था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा संगठन काशी सहित पूरे देश में आपातकाल को याद कर काला दिवस मना रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से वहां एक अस्वाभाविक गठबंधन था, वहां शिवसेना के विचारों के प्रति कमिटेड लोगों का संघर्ष है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व की संपूर्ण घटनाक्रम पर नजर है, महाराष्ट्र की जनता के प्रति हमारा लगाव और सम्मान है। आगे जैसी परिस्थितियां होगी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र की जनता के हित में वैसा निर्णय लेगा। आज हमारे संगठन ने काशी महानगर सहित पूरे देश में आज भाजपा
काला दिवस के रूप में आपातकाल के दिन को याद करके लोकतंत्र के जागरण के प्रति और उस समय के अत्याचारों की लोगों को याद दिला के लोकतंत्र के प्रति और मन को मजबूत करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश में सपा के बाद बसपा ने भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन बसपा के स्पष्ट करने के बाद बीजेपी के विरोधी दलों ने बसपा पर हमला बोला और उन्होंने बसपा को बीजेपी की बी टीम करार दिया। बसपा को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर पार्टी प्रमुख मायावती भड़क गई। उन्होंने ट्वीट किया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु विपक्षी एकता का प्रयास गंभीर न होकर लोगों को इसका केवल एक दिखावा ही ज्यादा लगता है, जिसका अंजाम भी सभी को मालूम है। जबकि इन्हीं विपक्षी पार्टियों ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम का झूठा प्रचार खूब फैलाकर और माहौल बनाकर खासकर यूपी के पिछले विधानसभा आम चुनाव में हमारी पार्टी का भारी नुकसान कराया। प्रदेश के सभी जिलों में आज ड्राई डे घोषित किया गया है, यानी आज लखनऊ समेत सभी जिलों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसको लेकर आबकारी विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक शराब की सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। दरअसल आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसके अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस दिवस पर योगी सरकार की ओर से प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया गया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या grameenreporter.com। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। पीलीभीत में अभ्युदय योजना के तहत निशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे परीक्षार्थियों के लिए जिलाधिकारी ने बड़ी पहल की है। जिलाधिकारी ने उनकी क्लास लेने के साथ साथ उन्हें निशुल्क लाइब्रेरी में पुस्तकें मुहैया कराने की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी ने नियमित क्लास में आने वाले छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही लाइब्रेरी का कार्ड भी उपलब्ध करा दिया है। साथ ही बच्चों की डिमांड के आधार पर पुस्तकें देने का भरोसा दिलाया है। सर, हमारी अभ्युदय क्लासेस बहुत पहले से चल रही हैं और निरंतर कोई ना कोई अधिकारी हर दिन आता है और डीएम सर भी हर सैटरडे को आके क्लास ले रहे हैं। आज हम लोग की प्रॉब्लम थी कि हम लोग को एक एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा था घर पे स्टडी करने के लिए, तो उसके लिए आज सर लाइब्रेरी हम लोग को लेके आए। हम लोग के लिए लाइब्रेरी कार्ड भी इशू कराया गया है कि हम लोग यहाँ पे आके कोई सी भी अपनी बुक्स ले सकते हैं, यहाँ पे बैठ के कभी भी स्टडी कर सकते हैं। देश भर में चलाया जा रहा स्वच्छ भारत अभियान को धार देते हुए रायबरेली के गुरु बख्शगंज थाना प्रभारी एक ने नई पहल शुरू की है। थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिस स्टाफ ने गुरु बख्शगंज के चौराहे के चारों तरफ एक विशेष सफाई अभियान चलाकर दुकानदारों से अपील की। सफाई अभियान में यही होता है कि कई बीमारियां मच्छर डेंगू ये सब नहीं होता। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा इलाके में गैंगस्टर एक्ट और गौवध अधिनियम के अभियुक्त की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। इस पूरी कार्रवाई के आदेश जिलाधिकारी ने दिए। बता दें कि प्रशासन ने लाखों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान कई अधिकारी वहां मौजूद रहे। रायबरेली में युवक को लेन देन में जबरन अगवा कर लिया गया। मामला घटना शहर कोतवाली थाना का है, जहां अगवा करने वाले आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश युवक को बलपूर्वक ले जा रहे हैं। युवक के परिजनों ने थाने में जाकर पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की। है कि हमारा लड़का जो है बादशाह होटल में काम कर रहा था, तीन लोग करीब 8:30 बजे जो है बाइक में बैठा कर जबरदस्ती उठा ले गए। इनका नाम शिव प्रकाश, मुन्ना त्रिवेदी, शिवंत त्रिवेदी। हमें अनहोनी की शंका है कि हमारे लड़कों को हो सकता है कि मार डाला हो
या कहीं बहा दिया हो। प्रदेश में आसमान में बादल है लेकिन उमस का प्रकोप अब भी जारी है। मानसूनी बारिश के लिए लखनऊ को अभी भी 2-3 दिनों का इंतजार और करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों का जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक 28 जून से बरसात की संभावना है, साथ ही तापमान में भी गिरावट होगी। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।